भी अपना सामान सामून खुल गया, सारा स्पीकर वगैरह खुल रहे हैं। ये देखो, ये आ गई साइड बाय साइड कंपैरिजन दोनों गाड़ियों का। देखो यार, बहुत ब्यूटीफुल लगती है दोनों गाड़ियाँ। ये लग गए अपने न्यू स्पेसेस और ये इसके नट्स एंड बोल्ट्स भी दिए हैं साथ में। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अभी आपने लास्ट वीडियो में बहुत सारे अच्छे गेसेस भी किए, बहुत सारा सपोर्ट भी दिखाया और जहाँ तक मुझे लगता है इस टाइम तक 100K हो गए होंगे। आपको और मेरे को दोनों को कंग्रेचुलेशंस, एंड जितने भी भाई देख रहे हैं, जितने भी भाई जुड़े हैं साथ में, उनके लिए भी बिग थैंक यू। एंड साथ साथ में आज आपको मैंने बताना है कि यार वो 100K वाली स्पेशल गाड़ी कौन सी होगी, अब आपको दिखाते हैं। 90% लोगों ने तो गेस कर ही लिया है। और भाई साहब, अपने पोर्च में एक नया मेम्बर ऐड हो गया है, अपना रेड वर्क हॉर्स 700। And are you guys ready for 3, 2, 1, go? तो भाई साहब ये देखो, स्कॉर्पियो N4x4 ऑटोमेटिक। भाई ये गाड़ी ली है हमने अपनी फैमिली के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कश्मीर ही रहेगी। शायद आपको मैं ज़्यादा इसको मतलब ड्राइव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये फैमिली के लिए ली है यार। कभी कभी तो हम ड्राइव करेंगे एंड साथ साथ में क्या पता रोज़ ही ड्राइव कर लें, क्योंकि ऐसे ही हमने फॉर्च्यूनर भी फैमिली के लिए ली थी। अभी इसका अपडेट करता हूँ, अभी गाड़ी की चाबी ले आते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से। और ये गाड़ियाँ पहले साइड करनी पड़ेंगी पीछे वाली, तो भाई साहब इसको साइड कर लेते हैं पहले, क्योंकि आज घूमेंगे हम उसी में और आपको फील देंगे और बताएंगे कैसी है गाड़ी चलाने में। एंड करते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट। ओके, और भाई साहब अभी चलते हैं, करते हैं 700 को भी कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड तो है नहीं भाई, गर्मी भाई ये बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा। ओके लेट्स गो। एंड भाई साहब, इतनी मशक्कत करने के बाद फाइनली वो टाइम आ गया है जहाँ पे हम बैठेंगे अपनी स्कॉर्पियो N। भाई जो नई गाड़ी की खुशबू होती है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। बट गर्मी, अरे भाई साहब बहुत गर्मी है यार, एसी चलाओ। ओहो, इसको बंद करो भाई, देख सकते हो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी अभी। और भाई साहब अभी निकल ही रहे थे, बट मैंने बोला पहले अपने भाइयों को वॉक अराउंड देते थे। तो भाई ये आ गई स्कॉर्पियो N4x4 ऑटोमेटिक। और यार ये गाड़ी जम्मू से नहीं मिली, इसलिए आप देख सकते हो इसमें नंबर भी नहीं है क्योंकि इसकी वेटिंग ही बहुत थी। बाकी आपको अंदर से तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, 7-सीटर है प्रॉपर, अंदर से स्पेस भी अच्छी मिलती है। बाकी वो तो आज दिन में आपको पूरा दिन ड्राइव करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो इसको एक्सटेंसिवली ड्राइव करते हैं, सबसे अपने भाइयों से ओपिनियन लेते हैं। गुलाब भाई तो ऑलरेडी चला चुके हैं, आपने उनका रिव्यू ले लिया होगा, बट बाकी के भाइयों से रिव्यू लेंगे अभी। एक्चुअली कल क्या है ना कि स्कॉर्पियो N फॉर्चूनर ऑलरेडी कश्मीर जा रही है और उसके एक दो दिन बाद हम भी कश्मीर जा रहे हैं, तो ये गाड़ियाँ ना आज प्रिपेयर भी करनी है सारा। इसमें मैट वैट लगाते हैं, देखते हैं अगर टाइम मिला तो, नहीं तो वो कश्मीर से लगाएंगे। 360 डिग्री कैमरा इसमें भी आता है भाई, फीचर के मामले में ना ये फॉर्चूनर से भी आगे है। तो अपना दिल जो है ना वो फॉर्चूनर की तरफ इंक्लाइंड है। बट चलो दिखाते हैं आपको सीन। और भाई साहब हम आ चुके हैं अपनी स्कॉर्पियो N के अंदर। यार मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी ज़्यादा स्मूथ है इसका जो स्टेयरिंग है ना, एज कंपेरिजन टू फॉर्चूनर। ये देखो एक उंगली से घूम रहा है यार, ऊपर से ये पता है ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग नहीं है, हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है फिर भी। बट चलो क्या करें यार, फॉर्चूनर में कमियां भी हैं बट उसमें अच्छी बातें भी हैं, इसमें भी कमियां भी हैं और अच्छी बातें भी हैं। हर एक गाड़ी में अच्छी बातें और गंदी बातें होती हैं कि यार इतनी स्मूथ है ना चलाने में, और स्पेशली इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है यार वो इतना सही है ना, मतलब जब वो बजता है ना सोनी का। अभी मैं छोटा सा कोई क्लिप आपको सुनाता हूँ एंड देन आप मुझे बताना कि आपको भी कैसा लगा। और भाई साहब अगर आज टाइम मिला तो इसका 4x4 भी एक्सप्लोर करेंगे। बट ये देखो यहाँ पे ना डिफरेंट मोड्स मिलते हैं आपको, 4H, 4L और ग्रास, मड, सैंड। तो यार मतलब बड़ी एडवांस ही लग रही है, बट मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो कैसे काम करेगा। मतलब बस आज टाइम मिलना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो भी रेडी करनी है, इसको भी कश्मीर भेजना है, फॉर्चूनर को भी कश्मीर भेजना है। एक्चुअली यार हमारा जैसे आपको पता ही है वहाँ पे घर है, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, तो फैमिली वहीं पर जा रही है। एंड साथ साथ अभी देख सकते हो ब्रांड न्यू गाड़ी है यार, अभी इसका ये भी नहीं उतारा है ना इसकी ये सीट कवर के वो उतारे हैं प्लास्टिक का, ये भी आज ही उतार देंगे। और भाई साहब अभी आ गए थे कुछ खाने पीने, क्योंकि आपको पता है यार बहुत भूख लगी है मेरे को। एंड निक्कू सिंह खा लेते हैं, निक्कू सिंह, क्योंकि निक्की भूख है, बहुत बड़ी भूख हो तो फिर बड़ी चीज़ खानी चाहिए। तो और भाई साहब इस गाड़ी के बारे में जो मुझे बेस्ट लगता है ना यार, ऑटोमेटिक में बहुत प्यारे 18 इंच के अलॉयज आते हैं, वरना जो मैनुअल है उसमें थोड़े स्लाइटली छोटे 17 इंच के अलॉय आते हैं, वो उतने सही नहीं लगते। जैसे कि राहुल भाई की गाड़ी में हम उनको भी रिकमेंड किया था कि ये वाले डलवा लो, तो ये वाले बड़े सुंदर से लगते हैं। और आपको पता है पोर्च में ना दोनों गाड़ियाँ साइड बाई साइड खड़ी थी, तो फॉर्चूनर और ये मतलब ये थोड़ी सी बड़ी ही दिखती है उससे, और आप देखो हाफ प्राइस पॉइंट पे मिल रही है, तो मतलब सही चीज़ है। बाकी इसका जो टेल गेट है ना वो भी बड़े अलग तरीके से खुलता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
भाई नीचे शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है और ये साइड पे खुलता है जैसे पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक वगैरह का खुलता था ना। बाकी फिट एंड फिनिश अच्छी लगी भाई मुझे, मतलब क्लासिक से तो हज़ार गुना अच्छी है, बट क्लासिक की जो शेप है ना यार उसका कोई मुकाबला नहीं है। बट चलो ये भी अच्छी है भाई, इसको और एक्सप्लोर करते हैं, आपको जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे आपको तो पता चलता ही जाएगा। तो भाई साहब अभी फ़िलहाल हमने जाना था गुलाब भाई के पास स्कॉर्पियो एन में, बट उनको एक्चुअली थोड़ा सा काम है और प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो में भी वो थोड़ा सा ना लाइट स्मोक वगैरह करवा रहे हैं, इसलिए इसी टाइम पे हमें भी यूटिलाइज करना था। तो अभी फॉर्चुनर के ना स्पेसर्स आ चुके हैं तो वो इंस्टॉल करवाते हैं और जल्दी से अब गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो गाड़ी चेंज करते हैं और फिर आपको सीन दिखाते हैं आगे का। तो भाई साहब यार इसको घर लगा देते हैं और आपको पता है आज मतलब मेरे को पूरा मन था इसी को चलाने का, बट देखते हैं फॉर्चुनर भी ज़रूरी है क्योंकि वो चली जानी है, दोनों गाड़ियाँ चली जानी है कल, तो इसीलिए चलो देखते हैं अभी है कहाँ है फॉर्चुनर दिख नहीं रही। ओके वो आ गई हमारी फॉर्चुनर भाई, मतलब यार ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों को दोनों मेरे पास हैं तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, ये गाड़ी है बट वो गाड़ी प्यार है। तो मतलब अगर मेरे पास चॉइस होना है यार और ऊपर वाला ऐसे ही अपना प्यार बना के रखे तो मैं तो दोनों गाड़ियाँ रखूँ अपने पास। अभी आ गए हम लोग गाड़ी के पास, तो यार ये देखो ये सबसे सही चीज़ लगी कि इसकी दोनों कीज़ वर्किंग है, तो मतलब एक डमी की नहीं मिलती जैसे थार में मिलती है। बाकी आपको दोनों गाड़ियाँ बाहर से दिखाता हूँ। तो बाकी भाई ये देखो ये आ गई साइड बाई साइड कंपेरिजन दोनों गाड़ियों का, देखो यार बहुत ब्यूटीफुल लगती है दोनों गाड़ियाँ। अपनी जो स्कॉर्पियो एन है ना वो फॉर्चुनर से ऊंची है, आप खुद हिसाब लगा सकते हो, क्योंकि वो बॉक्सी डिज़ाइन में ये थोड़ी लंबी लग रही है और ये थोड़ी वाइड लग रही है। अब कौन सी अच्छी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कर लेते हैं स्टार्ट एंड चलते हैं पता है कहाँ पे, ये इंस्टॉल करवाने, पहले भी लगा के रखे थे यार मगर आपको पता ही है दर्द में थोड़ा डिफरेंस था, हमें न्यू वाले प्रोमैन भैया ने अपडेट किए तो उन्होंने बोला कि नया वाला सेट लगा लो। तो चलो चलते हैं यार नेक्स्ट लोकेशन पे और आपको सीन दिखाते हैं। तो भाई साहब यार अपनी फुल GTA चल पड़ी है यार, मैं पता नहीं क्यों सब कॉन्शियसली ना इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर रहा हूँ जबकि इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं, बट एज अ गाय हु ओन्स बोथ ऑफ देम मैं बता रहा हूँ दोनों बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी है। तो अभी आगे थे यार जेके टायर अपने यहाँ स्पेसर इंस्टॉल कर लेते हैं। यार हमारा ये जो भाई है ना इतना मेहनती है कसम से यार, इन्होंने लंच करने जाना था बट कह रहे हैं कि नहीं पहले आपके स्पेसर फिट कर देते हैं, तो यार ऐसे लोग लंच उसके बाद कर लेंगे, लंच उसके बाद कर लेंगे। बाकी भाई गुडरिच लगते तो सही है यार, मतलब लुक बन जाती है गाड़ी की है ना। हेलो सर क्या हाल है, ठीक हो? बस बढ़िया। आज स्पेसर लेके आए हैं वो इंस्टॉल करने। तो भैया अभी दुखी हो गए हैं, मतलब महीने में 3-4 चक्कर तो लग ही जाते हैं ना। दुखी होने वाला क्या है। और भाई साहब जैसे F1 में पिट स्टॉप होता है ना वैसे भाई ने इतनी जल्दी टायर भी खोल दिया, तो स्पेसर दे देते हैं इनको और फिर ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लो भाई साहब ये देखो ये लग गए अपने न्यू स्पेसर्स और ये इसके नट्स एंड बोल्ट्स भी दिए हैं साथ में, तो अब देखते हैं स्टैंस कैसा आएगा। इनली टायर लगने जा रहा है तो यार मुझे लगता है कि बहुत प्यारा स्टांस आने वाला है यार, यार इतना बाहर आ गया है टायर, मतलब ये तो यार मॉन्स्टर बन गई है गाड़ी। देखो तो यार आगे का टायर जैसे बिल्कुल फ्लश है ना थोड़ा अंदर वाली साइड है, तो ये वो वाले जो टायर्स हैं वो बिल्कुल बॉडी लाइन के साथ आ गए। भाई मिशन सक्सेसफुल होने ही वाला था जबकि हम जैसे ही बाहर निकले आई हमें आवाज़ ठक 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 की और ये हो रहा है टायर टच मड फ्लैप को। अब हमें यार मड फ्लैप भी उतारने पड़ेंगे, ये मैं चाहता नहीं था बट चलो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और भाई साहब यार देखो हमें मड फ्लैप खोलने लगा और अब थैंकफुली टच नहीं हो रहा है, अभी दोनों साइड का खोल लिया हमने, अब नहीं होगा ना टच भैया? नहीं भैया भाई स्टॉक टायर पर ये हालत है, सोचो उस पर क्या होगा अगर अपग्रेड कर दिया होता तो। अब भाई कट टू कट चल रहा है, पहले टच हो रहा था। और भाई साहब यार ये देखो ये ना ये देख रहे हो टायर हल्का सा जो बाहर आ रहा है ना इतनी फील ले रहा है ना यार मैं आपको बता नहीं सकता। एनीवे अभी यार हमारी GTA फुल जोरों शोरों से चल रही है, वापस जा रहे हैं हम घर वाली साइड और वहाँ से लेंगे स्कॉर्पियो एन क्योंकि यार आज डिसाइड किया था कि वो चलाएंगे, टाइम कम है आप लोगों को दिखाना बहुत कुछ है, इस चक्कर में अभी वापस जा रहे हैं, अभी ये मुझे लगता है तीसरा चक्कर है घर का। आप लोगों को यार व्लॉग्स पसंद आने चाहिए, बस नीचे ना कमेंट में अपने प्यार भरा सजेशंस प्यार सब कुछ नीचे लिखना है अपने, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं। और भाई साहब अपनी बिग डैडी तो निकल रही है बाहर, तो चलो चलते हैं देखते हैं यार, अभी प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो को भी देखने का बहुत मन हुआ है बट यार लगती तो प्यारी है यार। और भाई साहब आगे हम स्कॉर्पियो एन में वापस, बट यार स्पेसेस के बाद ना बॉम्ब लग रही है बॉम्ब। और भाई साहब अपनी प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो, ओ यार क्या लग रही है भाई मैं आपको बता नहीं सकता कितनी कितनी, वो देखो गुलाब भाई की बैंड बजी हुई है गर्मी में, ओ भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई नेक्स्ट लेवल। हाँ जी
cool car man, what do you do for living? I get paid by Shoaib Qasim. चले चलो मैंने सुना पकड़ लिया था बड़ा मुश्किल है यार गाड़ी चलाना शोएब भाई और भाई साहब अभी आ चुके थे न्यू लुक में और हमारे आर्यन भाई आज क्या करने वाले हो गाड़ी पे हमारी गैंगस्टर स्कॉर्पियो में बस अब वही करना है ऑडियो रह गया उसमें ऑडियो करेंगे उसमें और एक एंबिएंट लाइट्स लगा लेते हैं क्यों बोला भाई बिल्कुल एंबिएंट लाइट थोड़ा अंदर का फील आ रहा है एम्बियंस उसी से क्रिएट होता है मतलब मस्ट हैव अभी तो अभी बड़ी बोरिंग सी लग रही है अंदर से और गंदा सा लग रहा है प्लेन लग रही है अभी तो खैर ड्राई क्लीन भी होनी है अभी बता दो भैया क्या क्या लगा सकते हैं एक फोर चैनल लैंप दे दो एक पिछले स्पीकर और एक सबवूफर विद एम्पलीफायर ओके तो भाई साहब अभी फिलहाल गुलाब भाई के इतने मस्त मस्त स्पीकर हैवी क्योंकि गुलाब भाई स्टार्टिंग में आते हैं सस्ता काम कराने फिर एंड में महंगा काम करा लेते हैं तो ये रहा वो स्पीकर जिसमें दो कॉम्पोनेंट्स इसके क्रॉस ओवर्स तो दो इसके छोटे छोटे ट्विटर्स होंगे यहाँ पे ठीक है ये रहे छोटे छोटे ट्विटर्स इसके और इसमें पहले भी रेड लाइन लगा हुआ है ये का बड़ा सुंदर सा क्रॉस ओवर है वही के ये एम्पलीफायर है आजकल एम्पलीफायर ना और कॉम्पैक्ट हो जा रहा है बेसिकली इंस्टॉलर्स के लिए काम आसान हो रहा है बेसिकली टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है जैसे पहले इतने बड़े-बड़े फोन होते थे इतने बड़े-बड़े अब छोटे से हो गए फोन वही हो रही है बस ऐसा अभी फिलहाल सबवूफर स्पीकर्स एंड इसमें एंबिएंट लाइट्स इंस्टॉल करनी है तो इसलिए हम अपनी स्कॉर्पियो को साइड कर देते हैं और गैंगस्टर स्कॉर्पियो को आगे लगा देते हैं फाइनली गाड़ी अंदर लग गई है अभी काम वाम सब स्टार्ट होगा भाई साहब गत्ते वित्ते खुल गया क्या कहना चाहते हो बस यार सही अच्छा नहीं लग रहा पर अगर देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ शोएब भाई जब अगर डैम्पिंग भी करानी है ना अगर सिर्फ इधर डैम्पिंग करा रहे हैं ना फिर कोई फायदा नहीं है तो चलो भाई खोल लेते हैं इसको और चलते हैं पहले गुलाब भाई को नॉर्मल करते हैं क्योंकि इनके पास सुबह से ना एसी था ना कुछ था पहले पानी पुनी शिकंजी भी पिलाते हैं इनको और भाई साहब फर्स्ट टाइम लेके आ गए अपनी स्कॉर्पियो इनको नरवाल इतनी जल्दी बट इधर ये यहाँ पे माथा टिकाने लेके आना पड़ता तभी गाड़ियाँ सही चलती हैं तो भाई साहब अभी फ़िलहाल आ गए थे अपनी गाड़ी को लेके अभी जा रहे हैं अशोका भैया के पास तो इनसे ले लेते हैं हम लोग अपना ब्लोअर मोटर और भाई साहब ये आ गई अपनी ब्लोअर मोटर यार नहीं क्योंकि उसका एसी नहीं चल रहा था वही न्यू मोटर भी आ गई है तो चलो ये भी इंस्टॉल करवा लेते हैं जल्दी से और फिर आपको सीन दिखाते हैं तो भाई साहब फ़िलहाल आ गए थे वापस अपना ब्लोअर मोटर को लेके फिलहाल अभी अपना सामान सामान खुल गया सारा स्पीकर वगैरह खुल रहे हैं पहले ब्लोअर मोटर टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है गुलाब भाई क्या लगता है पता नहीं यार मैं से इसे हाईली डाउट वाओ 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 सही डन 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 चलो भाई साहब अब तो आपको चलानी पड़नी ओए यार अभी मन नहीं ना कर रहा चलाने तो भाई साहब देखो गुलाब भाई को हम फील लेने के लिए बोल रहे हैं कह रहे हैं मन नहीं करता एक आपकी गाड़ी है ना ये नहीं कि आप भी अपने भाइयों पर मसला है कि मैं थोड़ा झिझकता हूँ मैं लग जाए कुछ हो जाए झिझकता हूँ मैं भी झिझकूं फिर मैं झिझकी ना उसको जिधर मर्जी ठोको उसका क्या है यार ये ब्रांड न्यू गाड़ी है थोड़ी देर के लिए तो रही थी तो भाई अभी चलते हैं और भाई साहब ये देखो ये कौन आ गया हमारे पास वो देखो जानीपुर के बंदे आए हैं हमारे पास हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई फर्स्ट टाइम मुबारक है नई बुलबुल की और सुनाए सब बढ़िया क्या चल रहा है बढ़िया 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 भाई तरक्की करो खूब आइए रे भाई जीवा लाओ नेक्स्ट टाइम G63 चाहिए भाई हमें एक गुलाबिया G63 चाहिए भाई हमें लाओ ना लाओ ये जरूर ला सकते हैं बड़ी बात है भाई ये भी लाएंगे ट्रक बेचते हैं कादा फिर लेते और क्या बाय बाय और भाई साहब अभी आपको पता है हमारे पास फोन आ चुके हैं The one and only Racking Dhruv with his Ford Endeavor, which is the beast, and this person is also a beast. Hello. Anji, Anji, Anji. Welcome back. Long time no see. हमारे Dhruv भाई ले रहे हैं try. और भाई साहब अभी Dhruv भाई को हम दे रहे थे try और इतने में हमें भाई भी मिल गया भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि अपनी. सारे देख रहे हो लोग. सारे पॉक. कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया. फिर हम लोग भाई क्या आपके? Dhruv भाई. चले. Attack. 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 भाई पहले बताओ ऑनेस्ट रिव्यू मक्खन है यार है ना मतलब बहुत स्मूथ है यार मतलब मगर एक वो पावर फील नहीं होती है ना जैसे वो एंडेवर फॉर्च्यूनर में फील होती है ऐसा लग रहा है 20 चला रहे हो बट चलो वो अच्छी बात भी है कि स्मूथ और लाइट फील हो रहा है माय गॉड अपनों से बचो गाइस इतना सच नहीं बोलना था गाइस यही क्या बोल दिया इन्होंने वैगनर वाले भैया ने Dhruv भाई क्या कहना चाहते हैं इस पे तो भाई साहब अभी फिलहाल हमें एक चीज़ का फ़ायदा ले लेते हैं जो हमारी फॉर्चुनर में नहीं है गुलाब भाई को बस इससे बाहर निकालेंगे सिद्रा की गेड़ी गुड़ी लगवाते हैं क्यों गुलाब भाई आओ आओ
ਕਢਾਉ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕਿਥੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਗੁਲਾਬ ਭਾਈ ਪਰਫਿਊਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਨੀ ਲਗਾਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਅਬ ਇਸਕਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਭਾਈ ਕੋ ਸ਼ੋਭ ਭਾਈ ਕਾ ਬੜਾ ਹੁਆ ਥਾ ਰੰਗੀਨ ਰੰਗੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਭਾਈ ਯਹੀ ਬੋਲ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਨੇ ਕੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਸ਼ੋਭ ਭਾਈ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਗੁਲਾਬ ਭਾਈ ਗਏ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੋ ਵਰਥ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹਮਨੇ ਨੈਸਕੈਫੇ ਸੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦਿਖਾ ਸਭ ਅਭੀ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ ਨਿਊ ਲੁੱਕ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਹਰਨ ਭਾਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਅਭੀ ਯਾਰ 937 ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਭੀ ਗਾੜੀ ਪੇ ਕਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਂਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲੂੰ ਪਕੜੇ ਜਾਏਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹਮ 100K ਵਾਲਾ ਮਾਰਕ ਹਿੱਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਚਲੋ ਭਾਈ ਓ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੁਲਾਬ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਧਰੂਵ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਧਰੂਵ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭਈਆ ਕਾ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਸੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਰਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਤੋ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਬਟ ਧਰੂਵ ਭਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਚ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕੀ ਸਪੋਰਟ ਗੁਲਾਬ ਭਾਈ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰ ਭਈਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਲੋਰ ਲਾਈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਓ ਭਾਈ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਾੜੀ ਸ਼ੇਪ ਪਕੜੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੈਂਪ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਡੀਡੀ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਅਬ ਅਸਲੀ ਡੀਡੀ ਹੈ हा? और भाई साहब ये यहाँ पे इसकी ट्विटर्स हैं ये बेसिकली आगे स्पीकर से और इसके आगे लगे हैं JL ऑडियो के हाई एंड स्पीकर जिसके ट्विटर यहाँ पे आगे एंड साथ साथ में अभी फिलहाल के लिए यार इसको ऐसे ही जोड़ना पड़ा एलईडी लाइट भी लगी है हेडलाइट चल गई हैं मतलब 90% काम तो हो ही गया अब गुलाब भाई इसको लेके जाएंगे यार थोड़ी टेस्ट वेस्ट करेंगे फिर देखते हैं क्या रिव्यू रहता है तो भाई साहब थैंक यू फॉर वॉचिंग बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब परफेक्ट